नमस्कार, मैं आरती गोड़ और आप देख रहे हैं HP News 24। आज हम बात करेंगे एक वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की और बात करेंगे गांव की मूलभूत समस्या। आज बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत जामुनिया जौहर में। वैसे तो पंचायत द्वारा कई निर्माण किए गए हैं, फिर भी गाँव में मूल समस्या है शासकीय हाई स्कूल की बिल्डिंग की। इधर विगत 22 वर्षों से बिना भवन के हाई स्कूल संचालित हो रहा है। आपको बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक नागर ने बताया कि गांव में शुरुआती दौर में नाड़ीप निर्माण, सीसी सड़क और तालाब गहरीकरण के साथ अन्य कार्य भी किए हैं, जिसका भुगतान होना बाकी है। देखिए पूरी खबर मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। उन्होंने बोला था हम आगे बात करेंगे और हमने कई शिक्षा विभाग में भी प्रस्ताव दिया है, मंत्री के यहाँ भी प्रस्ताव दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं उसका। कब से संचालित है स्कूल? 2002 से है साहब। यही समस्या चल रही है? यही समस्या जी सर। पूरा नंबर 2 से है पूरा, मतलब तो जब से प्राइमरी का है ये, तो इसमें लगता था स्कूल, अब उधर हो गया प्राइमरी भी। अच्छा, प्राइमरी की बिल्डिंग में लगता है स्कूल। काफी समस्या आ रही है बच्चों को, समस्या रही है। और एक ये बात है गांव से लेके तो कालून तक ये रास्ते में भी अबे आ तो साफ है लेकिन कीचड़ मच जाता है। इसलिए मचता क्योंकि ये है प्रधानमंत्री करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण करोड़, तो ये इसका हमने प्रस्ताव भी दिया है SDO साहब। मांग पत्र भेज रहा आपने? तो उन्होंने बोला था कब हो जाएगा, लेकिन बारिश लग गई तो बारिश के बाद इसका काम होगा, लेकिन ग्रामीणों को बहुत सारी समस्या आती है इसके। अच्छा, कीचड़ मच जाता है, पानी भरा जाता है, मतलब रोड नीचे है, मकान ऊंचा है इस चक्कर में। अभी हमने गहरीकरण नाले का भी करवाया है, इसकी भी सफाई वगैरह हमने ही करवाई है पंचायत से। और एक शमशान की समस्या आ रही थी आपके गाँव में? शमशान की समस्या है तो हमने अभी कुछ दिन पहले काम भी करवाया वहाँ पर, लेकिन बारिश के कारण वो गिर गया है। तो अभी नवीकरण का वो एस्टिमेट वगैरह कम्प्लीट हो गया, कल परसों का हम काम। हाँ, एक और समस्या है गांव की के मतलब एक वर्ष हो गए, क्या क्या काम किया आपने? मैंने एक वर्ष में 10 नाड़ेप बना है, जैसे कि जो गंदगी रहती है वो वहाँ फेंकने के लिए कूड़ा कचरा दान बनाया है। अच्छा, घर से निकलने वाला कचरा। और एक 100 फीट बना है मंदिर के नीचे, तीज माता मंदिर के नीचे, और एक CC रोड बनाया 150 मीटर का, वहाँ पर बहुत समस्या थी ग्रामीणों को जाने में, वो बनाया। और मैंने नरेगा के तालाब का मजदूर द्वारा काम करवाया और एक गहरीकरण करवाया, जिसमें ग्रामीणों के लिए गार की व्यवस्था हो पाई और खेतों में अच्छी फसल होगी, इसलिए वो भी करवाया। अच्छा, और साफ से बहुत सारी। और क्या क्या काम स्वीकृत कराया आपने? हमने स्वीकृत एक पुलिया हमारी स्वीकृत है, जिस पर भी कलेक्टर साहब द्वारा रोक लगी है राजगढ़ जिले के लिए, जैसे ही वो रोक हटेगी हम उसको भी चालू करेंगे। और बाउंड्री वॉल हमारी स्वीकृत है विधायक जी के माध्यम से, एक नाली सुकृत है, बारिश के बाद हम उसको भी काम चालू करें। सुदूर सड़क बनवाई क्या आपने? सुदूर सड़क हमने हमारी खुद की जेम से बनाई, अभी तक उसका ना कोई स्वीकृत हुआ ना कोई फंड आया। अच्छा, हमने खुद नहीं बना दी उसको। कहाँ से कहाँ तक बने? हमने 1300 मीटर की बनाई है उसको। अच्छा जी, और क्या क्या काम की मांग है गाँव में? विशेष समस्या क्या है गाँव की, जैसे आप उसके लिए आप लड़े चुनाव? तो विशेष समस्या तो ये, जैसे कि धनगर समाज में अभी बताया था कि लाइट की समस्या, तो हमने अभी सुपरवाइजर से भी आज सुबह बात करी है, तो 2-4 दिन में पोल की उनकी व्यवस्था हो जाएगी, लाइट की भी उनकी व्यवस्था हो जाएगी। बाकी जो छोटी मोटी समस्या रोड नाली CC ये तो हम खुद ही कर देंगे, 5 साल में बहुत सारा विकास करेंगे। आज गांव में समस्या आती जाती रहती है तो आती रहती है। ठीक है, का अभाव है यहाँ, कई बार हमने प्रस्ताव भी दिया है वरिष्ठ कार्यालय को, बाकी वर्तमान में हम प्राथमिक विद्यालय के खंड में हाई स्कूल संचालित कर रहे हैं। अच्छा, इस विषय को लेकर कभी कहीं मांग की क्या आपके द्वारा? कहीं मांग तो सर वरिष्ठ कार्यालय कई बार हमने पत्र के माध्यम से व्यवहार किया है, तो हमारे पास क्या कक्षा 6 से 10 तक बच्चे अध्ययनरत हैं, तो इसमें सर भवन की तो वास्तव में आवश्यकता तो है। वैसे जैसे आपके यहाँ भवन नहीं है जी, तो भवन के ना होने के कारण कई योजना आपके पास नहीं पहुँच पाती जी, जैसे बहुत सारी योजना चलती शासन से जी जी जी, वो है या नहीं? नहीं, भवन के अभाव में नहीं, बाकी जो योजना है वो तो चलती है, बस सिर्फ ये है कि भवन का ही अभाव ही। नहीं, भवन नहीं है, जैसे बाउंड्री नहीं है जी, इसके बाद परिसर नहीं है जी। हाँ सर, खेल बाकी वास्तव में अगर खेलों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें अगर भवन नहीं है तो हमारे पास स्वाभाविक है कि खेल का मैदान भी नहीं, इसलिए बच्चों को प्रयोगशाला वगैरह फर्नीचर। हाँ, भवन नहीं तो मतलब काफ़ी सारे क्या, फिर एक एक कमरों में एक एक कक्षा संचालित हो रहा है, तो हमारे पास पुस्तकालय हो गया और लेबोरेटरी हो गया, इसके पर्याप्त कक्षे उपलब्ध नहीं। आजकल बहुत सारी योजना चल रही है स्मार्ट क्लास की, कंप्यूटर क्लास, ये कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं, बाकी सर ये तो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है।